वाराणसी की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। वाराणसी में घूसकांड, वसूली के वायरल वीडियो के मामले में सिपाही गिरफ्तार, केवल कांस्टेबल पर कार्रवाई से उठे सवाल। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाने में हिरासत में लिए गए युवक को छोड़ने के एवज में 4,000 रुपए लेने के मामले की जांच 24 घंटे में ही पूरी हो गई है। इसकी क्राइम की जांच रिपोर्ट के आधार पर सिपाही अवधेश पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने के अंदर हुई वसूली का वीडियो गुरुवार को वायरल होने के बाद एसएसपी ने एसपी क्राइम को जांच सौंपी थी। थाने के अंदर हुई घटना में केवल सिपाही पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि थाने के अंदर हुई घटना में केवल सिपाही शामिल रहा होगा। दरअसल लोगों का यह मानना है कि जब थाने में घूस लेने की यह घटना हुई तो वहां अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे होंगे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? जरूरी नहीं कि सिपाही ने इस तरह की हिमाकत पहली बार की हो, ऐसे में थानाध्यक्ष साहब को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इस गंभीर मामले में कई सवालों के जवाब शायद अभी पुलिस को देने बाकी हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बुधवार रात पुलिस ने बाइक से जाते एक युवक और युवती को पकड़ा था। युवती करीब 4 दिन से घर से गायब थी। युवती ने युवक से उसके घर तक छोड़ने को कहा तो वह तैयार हो गया। रास्ते में लालपुर पांडेयपुर थाने पर बाइक सवार युवक युवती को पुलिस ने रोक लिया। परिजनों को बुलाकर युवती को उनके हवाले कर दिया गया। युवक को थाने पर ही बैठा लिया गया। युवक के भाई को थाने बुलाकर कहा गया कि तुम्हारा भाई छेड़खानी के आरोप में पकड़ा गया है, 20,000 रुपए दो तो बड़े साहब से बात कर युवक को छुड़वा दें। बिजली का काम करने वाले युवक के भाई ने इतना पैसा देने में असमर्थता जताई तो मामला 4,000 रुपए में तय हुआ। 4,000 देने पर युवक पुलिस की अवैध हिरासत से छूटा। सिपाही और युवक के भाई की बातचीत का वीडियो भी मोबाइल से बना लिया गया। वीडियो वायरल हुआ तो एसएसपी तक पहुंच गया। एसएसपी ने गुरुवार को मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी। एसपी क्राइम ने 24 घंटे में ही जांच कर रिपोर्ट सौंप दी। पूरे मामले के लिए केवल सिपाही को दोषी माना गया। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। थाने के अंदर बड़े साहब के नाम पर हुई वसूली में केवल सिपाही पर कार्रवाई को भी शक की नजर से देखा जा रहा है। 11 फरवरी 2021 को वादी श्री राम अवध राजभर ने एक तहरीर थाना लालपुर पांडेपुर पर उपलब्ध कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया आरक्षी अवधेश कुमार पाल, जिसके खिलाफ आरोप लगाया कि सिपाही द्वारा 5,000 रुपए मांगे गए हैं। इसी के क्रम में थाना लालपुर पांडेपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 59/21 एंटी करप्शन एक्ट के तहत। इसी क्रम में वादी द्वारा एक वीडियो भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें वादी द्वारा जो वीडियो उपलब्ध कराया गया उसके आधार पर आज थाना लालपुर पांडेपुर में विवेचक सीओ कैंट द्वारा जो आरक्षी हैं अवधेश कुमार पाल, इसको गिरफ्तार कर जेल में भेजा जा रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।